अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। गुजरात और महाराष्ट्र की मंडियों में चने की आवक उम्मीद से अच्छी बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार MSP पर रिकॉर्ड चना खरीदी का दावा कर रही है। उसके बावजूद मंडी में भरपूर आवक बनी हुई है, यानी साफ है कि सरकारी खरीदी के आंकड़ों या उत्पादन के पहले आंकड़ों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। चना में डंक की शिकायत निकलने की आशंका से इसकी मांग कमजोर है। सरकार ने चना उत्पादन अनुमान 139 लाख टन लगाया है, जबकि खरीदी मात्र 29 लाख टन रही है। प्राइवेट और नाफेड के पास काफी पुराना चना स्टॉक मौजूद है और नई फसल बाजार पर भारी पड़ रही है। चना की सप्लाई मांग से अधिक है और भविष्य में नाफेड कब और किस दाम पर चना बेचेगा किसी को पता नहीं, इसलिए चने में फिलहाल तेजी नजर नहीं आ रही है। ऐसी चर्चा जोरों पर है कि चने की मंदी को रोकने के लिए चने का वायदा कारोबार फिर से शुरू हो सकता है। मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।